24 न्यूज, पल पल की खबर। कोरोना महामारी के दौरान टीकाकरण में तेजी लाने के लिए सभी विधायकों द्वारा अपने क्षेत्र में निशुल्क टीकाकरण और बेहतर स्वास्थ्य सुविधाओं के लिए मुख्यमंत्री राहत कोष में पैसे देने का काम किया जा रहा है। 18 वर्ष से अधिक उम्र के लोगों को लगने वाले निःशुल्क कोविड टीकाकरण के लिए पूर्व स्वास्थ्य मंत्री व मस्तूरी से बीजेपी विधायक डॉक्टर कृष्णमूर्ति बांधी ने विधायक निधि के 2 करोड़ रुपए की राशि मुख्यमंत्री सहायता कोष में दी है। इस राशि का उपयोग निःशुल्क टीकाकरण में किया जाएगा। विधायक बांधी ने कहा कि 18 वर्ष से अधिक लोगों को 1 मई से कोरोना वायरस का टीका लगना शुरू हो गया है। उन्होंने कहा कि यह केंद्र सरकार का बहुत अच्छा निर्णय है और मुझे लगता है कि टीकाकरण से आने वाले दिनों में इस महामारी से जरूर निजात मिलेगी। विधायक ने सभी लोगों से अपील भी की है कि आने वाले समय में लगने वाले निःशुल्क टीकाकरण में अपनी बारी आने पर सभी टीकाकरण करवाएं। मस्तूरी विधायक अपने क्षेत्र व आसपास के इलाकों की प्रतिदिन खबर ले रहे हैं। ग्रामीण क्षेत्रों से लोगों के फोन दिन भर विधायक के पास आ रहा है, जिसमें परेशानी अनुरूप दवाइयों, ऑक्सीजन व अन्य स्वास्थ्य सुविधाएं कराने विधायक हर संभव प्रयास कर रहे हैं। आज पूरे देश में जिस तरीके से कोरोना के कारण भयावह स्थिति हुई है, ऐसे में सबकी भूमिका सहयोगात्मक तरीके से सुनिश्चित है। हर व्यक्ति अपनी अपनी भूमिका के साथ उपस्थित हो और इस भयावह कोरोना की बीमारी से हम सब मिलजुल करके लड़े। मेरे मस्तूरी विधानसभा क्षेत्र में भी बहुत सारे लोग प्रभावित हो रहे हैं और बहुत सारे आम ग्रामीण लोग परेशान हैं। मैंने अपने विधायक मत की राशि को 50 लाख रुपए गैस प्लांट के लिए देना चाह रहा था। मैंने कलेक्टर को भी लिख करके दिया, परंतु पता चला कि केंद्र सरकार भी गैस प्लांट के लिए योजना बना ली है और वो इस बिलासपुर ज़िले को भी उसकी कार्य योजना में शामिल है। तो मुझे लगा कि दूसरा ऐसा क्या ऑप्शन हो सकता है कि गैस प्लांट एक लॉन्ग टर्म इफ़ेक्ट है, आने वाले समय में जो ऑक्सीजन की तकलीफ़ें ना हो, ऐसा सोच करके मैंने गैस प्लांट का भी किया था। परंतु केंद्र सरकार इस पर काम कर रही है, राज्य सरकार ने भी फैसला लिया कि हमें कोरोना वैक्सीन के लेकर के हमें काम करना चाहिए। कि राज्य सरकार ने भी एक अच्छा निर्णय लिया कि विधायकों से भी उन्होंने उनके क्षेत्रों को वैक्सीनेशन करने के लिए बातचीत की। हमने भी मस्तूरी क्षेत्र के युवाओं को वैक्सीनेशन के लिए शासन का जो मार था, अपनी विधायक मत से 2 करोड़ रुपए की राशि शासन को समर्पित किए, ताकि इन पैसों से 18 से 45 वर्ष के युवाओं को वैक्सीनेशन लग जाए और हमारे क्षेत्र के लोगों का भी भविष्य सुनिश्चित हो जाए। इस तरीके से एक अच्छा निर्णय हुआ है, ताकि इसका पैसे का है। अब प्रॉब्लम इतना ही है कि जो विधायक मत की जो राशियां होती हैं और छोटे छोटे कार्यों के लिए देना पड़ता है। अभी कोविड के लिए मेरे मस्तूरी क्षेत्र में कोविड की हॉस्पिटल की व्यवस्था नहीं हो पाई है। मैं बहुत सारे प्रयास किया हूँ, लेकिन हो नहीं पाया है। और उसके लिए भी अब मैं कलेक्टर से मांग करता हूँ, माननीय मुख्यमंत्री जी को भी पत्र लिखूँगा कि कम से कम 30 लाख रुपए और मेरे क्षेत्र में कोविड हॉस्पिटल खोलने के लिए मेरे को मदद कर दे। और मैं तो विधायक मत की पूरी राशि आपको समर्पित करता हूँ, ताकि मस्तूरी क्षेत्र के लोगों को उसका लाभ मिल सके। नमस्कार। ब्यूरो रिपोर्ट, KSN 24 न्यूज़।